गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विवाद चल रहा है अभी यूपीएससी को लेकर, उसके बारे में समझेंगे विवाद क्या है। तो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो हैं, ये हैं आईएएस पूजा खेड़कर, जिन्होंने 2022 में जो है आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करा था। इसके बाद इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी लबैसना से, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो कि मसूरी में है। उसके बाद ये प्रोबेशन पीरियड पर आती हैं। प्रोबेशन पीरियड में देखो, जहाँ से स्टार्टिंग हुई इनकी, इनको प्रोबेशन पीरियड में जो है इनको होम टाउन मिला, इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है वही इनको प्रोबेशन में मिल गया। जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, जहाँ से आप पली बड़ी आपने स्कूलिंग करी वही आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी राजनीतिक इनकी पहुँच रही होगी कि इनको जो है इनका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया ट्रेनिंग के लिए, प्रोबेशन पीरियड के लिए। वरना आप देखो, वन रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आती है, जनरली उनको भी जो है अपना होम कैडर नहीं मिलता है, स्टेट ही नहीं मिलता है, इनको तो अपना डिस्ट्रिक्ट तक मिल गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी राजनीतिक पहुंच कहां तक होगी। अब विवाद क्या है? तो विवाद ये है कि इनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये है कि एक तो इन्होंने जो है जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है वो इन्होंने फर्जी बनवाया। ठीक है, इसके अलावा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है क्रीमी लेयर का, वो इन्होंने फर्जी लगाया। इसके अलावा जो ओबीसी की जो लिमिट होती है एग्ज़ाम की, वो होती है 9 बार। तो ये आरोप है कि इन्होंने जो है ये एग्ज़ाम 9 बार से अधिक दिया है। इन्होंने 11वां अटैम्प्ट था इनका, तब इन्होंने 2022 में एग्ज़ाम क्लियर करी और यूपीएससी ने इसको फाइंड आउट कर लिया है कि हाँ ये बात सच है कि इन्होंने 11वीं बार में ही ये एग्ज़ाम क्रैक करा है। और इन्होंने फर्जी तरीके से, मतलब इन्होंने ये पहले क्या करती थी कि अपने सरनेम को चेंज कर लेती थी या जो मिडिल नेम होता है उसको चेंज कर लेती थी, और इस तरीके से उन्होंने जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे के एग्ज़ाम क्लियर कराया। तो अभी यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में बात करेंगे। पर देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत पहले की वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी मैंने रवि सिहाग जो एक अधिकारी हैं आईएएस, उनके ऊपर बनाई थी मैंने। तो उन्होंने क्या करा था कि ईडब्ल्यूएस, जब मैंने उनका रिजल्ट देखा तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे से रिजर्वेशन लेकर दोबारा वो आईएएस बने हैं। तो मैंने जब ये ऑब्जेक्शन उठाया था तो लोगों ने बहुत आपत्ति की थी कि नहीं नहीं उनका जो है उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, ये कर दिया वो कर दिया था। पर अब लोग वही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई जब उनका ऑलरेडी सिलेक्शन था, वो ऑलरेडी अलाइड सर्विसेज में थे यूपीएससी के में, फिर उन्होंने वापस आईएएस एग्ज़ाम क्रैक करा, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस का कोटे से वो कैसे रिजर्वेशन ले सकते हैं, जबकि उनकी ऑलरेडी अगर वो किसी सर्विस में यूपीएससी की तो उसकी 8 लाख से ऊपर तो वैसे ही इनकम होती है, तो वो तो इसको ले ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे कितने आईएएस आईपीएस भरे पड़े होंगे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का जो है गलत कोटे से रिजर्वेशन लिया है, या फिर ओबीसी का गलत कोटे से रिजर्वेशन लिया है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का, उस सर्टिफिकेट से इन्होंने गलत तरीके से लिया है। अब यूपीएससी का एक क्लेरिफिकेशन आया 19 जुलाई को, इस क्लेरिफिकेशन उन्होंने डिमांड जो बताया है वो ये बताया है कि जो पूजा खेड़कर ने 2022 का एग्ज़ाम क्लियर किया था, इसके अलावा जो है यूपीएससी ने फाइंड आउट करा है कि उन्होंने अपने नेम को गलत तरीके से छुपाकर जो है काफ़ी सारे अटैम्प्ट उन्होंने दिए थे। तो आप ही देख सकते हैं, रूल्स बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी यूपीएससी की आप एक चीज़ देखिएगा कि इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन यूपीएससी ने उनको शो कॉज नोटिस इशू कराया और एक एफआईआर दर्ज कराई है। ठीक है, तो आप इसी पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी इनके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है कि यूपीएससी इनको टर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्यों भाई, जब आपको पता है कि आपने फाइंड आउट कर लिया है कि इस बंदे ने गलत तरीके से जो है एग्ज़ाम पास करा है, इसने बार बार एग्ज़ाम दिए हैं जो कि एक जो तय सीमा है उससे ज़्यादा बार अटैम्प्ट करे हैं, तो आप इसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर सकते? आपने एक शो कॉज नोटिस इशू कराया और इनसे ये पूछा है कि भैया हम आपको टर्मिनेट क्यों ना करें और आने वाली जो भी यूपीएससी की वैकेंसी है उनसे आपको क्यों ना बाहर किया जाए? तो ये उनसे पूछा गया है इस नोटिस के अंदर। ये नोटिस 19 तारीख का है, आप इसको देख सकते हैं यूपीएससी की साइट पर, ये अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि जब मैंने क्वेश्चन रेज करा था रवि सिहाग सर के ऊपर, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था, और क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होता, उन्होंने जो है जॉब से, जबकि मुझे पता चला कि उन्होंने जो है जब आईएएस ज्वाइन किया तब उन्होंने जो है रिज़ाइन दिया था पिछली वाली पोस्ट से जो उनकी अलाइड सर्विस थी। तो ये वाली बात है गाइस, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी में खुद में कितना घपला होता है, वो डॉक्यूमेंट को सही से वेरीफाई नहीं करता, जबकि ये सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है यूपीएससी का। तो ये है गाइस, इस वीडियो में इतना था, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बाकी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।